हाय एवरीवन, वेलकम बैक हो गया आप सभी का शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग कोर्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग पे एक कोर्स चल रहा है मुकम्मल। अगर आप लोग पहली बार लैंड हो गए इस वीडियो पे तो डोंट वरी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज की हमारी जो वीडियो वो मेनली होने वाली है कि हम लोगों ने कैटेगरीज मतलब कि कलेक्शंस किस तरीके से क्रिएट करनी है अपने स्टोर पे, और सेकंड नंबर पे जो पेजेस होते हैं उनको किस तरीके से ऐड करना है। अब पेजेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप लोग एक वेबसाइट क्रिएट करते हो उसका अप्रूवल लेने के लिए आपको पेजेस ऐड करना काफी जरूरी है। इसी तरह शॉपिफाई पे भी आप लोगों को पेजेस ऐड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेजेस हम लोग ऐड करेंगे स्टेप बाय स्टेप, आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लोग इन्हें ऐड करने हैं। सेकंड नंबर पे हम लोग कलेक्शंस क्रिएट करना सिखाऊंगा कि आप लोगों को किस तरीके से कलेक्शंस क्रिएट करनी है। फिर हम लोग इस कोर्स को अब जल्दी से वाइंड अप करते हैं क्योंकि काफी ज्यादा लंबा कोर्स हो गया है। सभी चीजें आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि फ्यूचर में आपको ऐसी मजे मजे की वीडियोस मिलती रहेंगी। ओके, सो गाइस, जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने अपने शॉपिफाई का स्टोर लॉग इन कर लिया। उसके बाद आप लोगों ने व्यू ऑनलाइन पे आके अपने स्टोर पे देख लेना है। इधर सबसे पहले मेन मेन्यू में मैंने कुछ कैटेगरीज ऐड करने वाला हूँ, कुछ पेजेस ऐड करने वाला हूँ। आप लोगों ने इधर से आ जाना है नेविगेशन वाले सेक्शन में, इधर आप लोगों ने मेन मेन्यू ओपन कर लेना है। मेन मेन्यू ओपन करोगे इधर मेरे सारे मेन्यूज आपको शो हो रहे हैं। इधर मैं ऐड मेन मेन्यू पे क्लिक करूंगा और इधर आप लोग कोई भी मेन मेन्यू ऐड कर लो। फॉर एग्जांपल मैं इधर ऐड करता हूँ टेक गैजेट्स के नाम से। उसके बाद आप लोगों को सर्च और पेस्ट लिंक का एक ऑप्शन मिल रहा है, इधर क्लिक करना है। आप लोगों ने इधर से होम पेज सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि अभी मैं फर्जी तौर पर होम पेज पे इसको ऐड करने वाला हूँ। अपने मेन पेज को सेव करते हैं इसे, इसके अलावा एक और पेज ऐड कर लेते हैं। ऐड मेन्यू आइटम पे दोबारा क्लिक करेंगे, इधर नेम रख लेते हैं होम डेकोर, होम डेकोर की प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे हम लोग। इधर से दोबारा होम पेज सेलेक्ट करूंगा और इसे मैं ऐड कर दूंगा सिंपल से। इधर से आप लोगों ने सेव का बटन मिलेगा, सेव कर देना है इसे। सेव करने के बाद दोबारा से चलते हैं अपने स्टोर पे, इसे मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि हमारे पेजेस जो है मेन मेन्यू में ऐड हो गए हैं। इधर देखो होम डेकोर और टेक गैजेट शो हो रहा है अबाउट अस के बाद। मैं चाह रहा हूँ कि अबाउट अस से पहले आए, तो हम लोगों ने इसको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है सिंपल से। नीचे से उठाकर आप लोगों ने ऊपर कर देना है और टेक गैजेट्स को भी अबाउट अस से ऊपर कर देना है। अब इसको मैं दोबारा से सेव कर देता हूँ सेटिंग्स को। सेव करने के बाद हम लोग दोबारा चलते हैं अपने ऑनलाइन स्टोर पे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और आप लोग देखें कि हमारे होम डेकोर और टेक गैजेट्स जो अबाउट अस से पहले आ गए हैं। इस तरीके से हम लोगों ने अपने मेन मेन्यू को कर लिया एडिट। अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने कार केयर्स खोला है इसमें इंटीरियर एक्सटीरियर आ रहा है, ऐसे ही अगर कोई बंदा हमारे मेन मेन्यू पे आकर वो होम डेकोर पे या टेक गैजेट पे क्लिक करे तो उस पर वो सारे के सारे प्रोडक्ट शो हो। मिसाल के तौर पर इधर मैं देख रहा हूँ कि होम डेकोर पे मैंने क्लिक किया और टेक गैजेट पे क्लिक किया तो सारे के सारे प्रोडक्ट शो हो उस रिलेटेड, उस कैटेगरी से रिलेटेड। तो आप लोगों ने आ जाना प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में, उसमें कलेक्शन वाले को ओपन कर लेना है। कलेक्शन में आओगे तो सबसे पहले वो आपसे टाइटल पूछेगा, कलेक्शन का टाइटल क्या रखना चाह रहे हो। तो इधर मैं लिख देता हूँ टेक गैजेट क्योंकि हमारी कैटेगरी टेक गैजेट से रिलेटेड है, उससे मैं नाम रख लिया। उसके बाद नीचे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं मैनुअल का और ऑटोमेटिक का। आप लोग ऑटोमेटिक भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैनुअल भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैनुअल में आप अपनी मर्जी से कस्टमाइजेशन कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों ने इधर से पिक्चर ऐड करनी है, ऐड कर लो सिंपल से। इधर से मैं इसे सेव कर देता हूँ। आप लोगों ने चेंजिंग करनी है अपने हिसाब से कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हो। हमारी जो गैजेट्स की कैटेगरी है, कलेक्शन है, उसको मैंने सेव कर लिया है। इधर आप देखें टेक गैजेट ऐड हो गया है। उसके बाद इधर से मैं एक और कलेक्शन को क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ना आसानी हो जाए। इधर मैं होम डेकोर का एक कलेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, इसको भी मैं मैनुअल पे सिलेक्ट करता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब ये भी सेव हो गई है हमारी कैटेगरी। बैक आ जाते हैं इधर से और इधर आप लोग देखेंगे दोनों कैटेगरीज में जो प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में अगर मैं आपको दिखाऊं तो 00 प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। मतलब कहने का अब इसमें हम प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे इस कैटेगरीज में जो कलेक्शन में हमने ऐड किए। प्रोडक्ट वाले सेक्शन में आ जाएंगे, पहली प्रोडक्ट मैं अपनी उठा लेता हूँ जो 7-in-1 कीबोर्ड वाली है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप लोगों ने सिंपल से इधर से थोड़ा सा नीचे आ जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है। इधर आपको राइट साइड पे एक कलेक्शंस का बटन मिलेगा, इधर जैसे क्लिक करोगे सारी की सारी आपकी कलेक्शन शो हो जाएंगी जो जो आप लोगों ने बनाई होंगी। इधर मैं टेक गैजेट में ये वाली जो अपने प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहा हूँ तो उसको आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। जो उनसे भी कलेक्शन में ऐड करना चाह रहे हो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है। सेव करते हैं इसे, इधर से मैं बैक कर देता हूँ और इधर आप लोग देखें ऐड हो गई है। दोबारा से कलेक्शन में आता हूँ, इधर आप देखें प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट शो हो रही है। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। नेविगेशन में आते हैं दोबारा से, इधर मेन मेन्यू पे आप लोगों ने आ जाना है। अब एक छोटी सी सेटिंग कर लेनी है आप लोगों ने, इसको भूलना नहीं है। आप लोगों ने टैग गैजेट में दोबारा आके इसको एडिट कर लेना है। एडिट करोगे इधर हमने होम पेज सेलेक्ट किया था ना, होम पेज की जगह हम लोगों ने अब इसे कलेक्शन कर देना है। आप लोगों ने कलेक्शन पे क्लिक करना है, इधर से कलेक्शन सेलेक्ट कर लेनी है टैग गैजेट की जो भी आप लोगों ने बनाई होगी। मैं टैग गैजेट की सेलेक्ट करूँ, उसके बाद अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करूंगा और इसको मैं सिंपल से सेव कर दूंगा।
सेम टू सेम आप लोगों ने होम डेकोर के साथ भी ऐसे करना है। एडिट पे आगे आप लोगों ने इधर से कलेक्शन कलेक्ट करना है, कलेक्शन पे सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इधर से होम डेकोर सिलेक्ट करके अप्लाई चेंजेस पे सिलेक्ट करना है और इसे भी सेव कर लेना है सिंपल से। उसके बाद हम लोग स्टोर पे आके रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि टेक गैजेट पे क्लिक करेगा कोई बंदा आ गया तो उसको क्या शो होगा। तो इस तरह की प्रोडक्ट उसके सामने शो हो जाएगी जो भी आप लोगों ने कलेक्शन में ऐड की होगी। अब ये तो हो गया सारा का सारा प्रोसीजर कलेक्शंस का, कलेक्शन किस तरीके से हम लोगों ने क्रिएट करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने लीगल पेजेस किस तरीके से ऐड करने हैं वो हम लोग कंप्लीट डिटेल में देखते हैं। अभी मैं चले जाता हूँ अपने स्टोर में। इधर आप लोगों को नीचे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने सेटिंग शो हो जाएंगी। लास्ट पे आपको पॉलिसी का एक बटन मिलेगा, पॉलिसी पे आप लोगों ने आ जाना है। इधर सबसे पहले जो पॉलिसी आ रही है रिटर्न पॉलिसी, इसको आप लोग अपनी मर्जी से भी कस्टमाइज कर सकते हो लेकिन आपको जनरेटेड ऑटोमेटिकली शॉपिफाई प्रोवाइड करता है, आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर आप लोग अपनी मर्जी से कस्टमाइज करना चाह रहे हो कर सकते हो, क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे देगा आपको रिटर्न और रिफंड पॉलिसी की। इसके बाद आप लोगों ने सिंपल से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, प्राइवेसी पॉलिसी का आपको मिल जाएगा पेज। इधर भी आप लोग जनरेट करोगे, क्रिएट पे क्लिक करोगे तो सारी की सारी आपके सामने प्राइवेसी पॉलिसीज इनकी जितनी भी शॉपिफाई की हैं एक सारी की सारी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसने जनरेट करके दे दी है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टर्म्स एंड सर्विसेज का, इसको भी आप लोग क्रिएट पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे देगा। अब सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोगों ने घबराना नहीं है। लास्ट पे देखें शिपिंग पॉलिसी आपको शो हो रही है, शिपिंग पॉलिसीज डिफरेंट होती हैं, अब आप लोग अपनी मर्जी से इसको कस्टमाइज कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आप लोग क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद इसको मैं सिंपल से सेव करता हूँ, सेव करने के बाद व्यू ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं और अपने पेजेस पे देखते हैं आगे शो हो रही है नहीं। तो नीचे इधर देखें कोई भी हमें पेज हमारा शो नहीं हो रहा। अब इसकी मेन वजह क्या है, हम लोगों ने सेटिंग नहीं की अपनी थीम में। अपनी थीम की सेटिंग कर लेते हैं, दोबारा शॉपिफाई पे आता हूँ, अपने ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है आप लोगों ने। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा थीम का, थीम पे आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। उसके बाद कस्टमाइज पे चला जाना है, कस्टमाइज पे आने के बाद नीचे फूटर में आ जाना है आप लोगों ने। फूटर पे आओगे तो आपको इधर नीचे थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा और, इधर ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी लिंक का। आप लोगों को इधर शो पॉलिसी लिंक शो हो रहे हैं, इसको आप लोगों ने अनटिक होगा, आप लोगों ने चेक कर देना है। अगर चेक होगा तो ऑलरेडी शो हो रहे होंगे, अब ये देखिए नीचे शो करवा दिए इसने। सिंपल से आप लोगों ने इधर से सेव करना है, सेव करने के बाद दोबारा अपने स्टोर पे आ जाता हूँ, इधर से मैं रिफ्रेश मारता हूँ, रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि ऐड हो गए हैं हमारे पेजेस के नहीं। तो नीचे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज तीन पेज हमने ऐड किए थे वो सारे के सारे शो हो रहे हैं। आई होप गाइस आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आप लोगों ने कलेक्शंस को क्रिएट करना है और सेकंड नंबर पे हमने जो पेजेस क्रिएट किए हैं उनको किस तरीके से ऐड करना है अपने स्टोर। आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आ रही हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड हम लोग 24 आवर चैलेंज करने वाले हैं अपने चैनल पर। आप लोग कॉमेंट बॉक्स में लाजमी कॉमेंट करके बताओ कि करना चाहिए नेक्स्ट वीडियो में या नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।